इससे पहले मैं अपनी पोएम सुनाऊं, एक मैंने अपना छोटा सा पोएटिक इंट्रोडक्शन लिखा था, सो हियर इट गोज। नज़्म के इन लफ्ज़ों में अपना सुकून खोजती हूँ, पन्ना अगर खाली रह जाए तो बेचैन हो जाती हूँ, भटकती हूँ मुसाफिर की तरह अपने ख्यालों की नगरी में, तलाशती हूँ उन अल्फाजों को जो मुझे पूरा कर दे, मेरी लिखी हर बात को बयां कर दे, जो खुद नहीं कह पाती वो कागज़ पर पिरोती हूँ, शायरा हूँ अपने जज्बात शायरियों में बोलती हूँ। शुक्रिया। इस पोएम का टाइटल मैंने दिया है दिसंबर, और लकीली दिसंबर ही चल रहा है, मैंने अभी इस दिसंबर में नहीं लिखी थी वैसे ये। तो हियर इट गोज। दिसंबर की ठंड, दिल्ली की वो सुंदर इंडिया गेट वाली सड़कें, जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स और गाड़ी में साथ बैठे तुम। हमने तो अपना ये किस्सा अंजाम तक लाने का फैसला कर ही लिया था कि रेडियो सिटी पे लव गुरु ने आकर सारा माहौल ऑकवर्ड कर दिया। उसके बाद बजते वो रोमांटिक गाने, तुमसे दूर जाने का मन बना ही नहीं पा रहे थे। स्पीड लिमिट तो एक बहाना था ये सफ़र ना ख़त्म हो, इसलिए मेरे पैर बार बार ब्रेक पर पहुंच रहे थे। तुम्हारे गर्म हाथों में मेरे ठंडे हाथ, कई सारी अनकहीं बातें, कहना था मुझे बहुत कुछ मगर लफ्ज़ आते आते रह गए, इस डर में कि तुम्हारे सामने खुद को कमज़ोर ना बना दूं। जो मैं चाहती हूँ उसके लिए तुम्हें ज़बरदस्ती कैसे मना लूं? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था और मेरे पास बस यही जवाब था कि अब ख़त्म करते हैं। तुमने जब कहा कि अगली बार वहाँ चलेंगे, और मैंने शक भरी आवाज़ में पूछा अगली बार मिलेंगे, तब तुम्हारा वो गुस्सा कि ठीक है नहीं मिलेंगे, इस बार इतबार करने का मन नहीं हुआ। दिमाग को तो बोल दिया कि अब तुमसे बात नहीं करूँगी, देखते हैं अपनी कही बात पर कब तक टिकी रहूँगी। तुम जब गाड़ी से उतरने लगे तब लगा काश थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें गले लगा के एक बारी को जबा से बाय ना निकला। दिसंबर की ठंड, दिल्ली की सड़कें, गाड़ी का वो सफ़र और साथ बैठे तुम, बस यही मन में रह गया। शुक्रिया। And thank you so much to Ink Feathers and all the people for inviting us here. Thank you.